एक लंबे इंतजार के बाद आखिर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतर ही गए। पूर्व सांसद नवीन जिंदल के मैदान में उतरने या ना उतरते ही अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेसी पार्टी ने देर रात पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। निर्मल सिंह आज कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन पहुंचे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले का अधिकांश हिस्सा आज डार्क जोन में है, उनकी कर्मभूमि कुरुक्षेत्र रही है। वहीं निर्मल सिंह ने कहा कि 23 अप्रैल को वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उस प्रक्रिया में कांग्रेस के सभी दिग्गज शरीक होंगे। मैं ठीक से चुनाव लड़ूंगा और भाई जो कांग्रेस का प्रोग्राम है लोगों में लेके जाऊंगा, तो चुनाव ही लड़ूंगा। क्या मुद्दे आप समझते हैं कि आज कुरुक्षेत्र है जिनको लेकर के आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? देखिए जी, मुद्दे तो यहाँ बहुत पुराने हैं, वो बदले नहीं हैं। जैसे मैंने बताया कि ये डार्क जोन में है, वाटर लेवल की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की है, इधर खेज इलाका है, यहाँ किसान हैं, यहाँ और किसानों के बहुत से मुद्दे हैं, गरीब आदमी के हैं, बहुत से हैं मुद्दे। तो हम तो उन्हें मैनिफेस्टो की बात करेंगे, जो हमारे लीडर ने मैनिफेस्टो दिया है कि वो क्लू है, वो झूठ नहीं है, इनका मैनिफेस्टो झूठा था। मैं बाहरी कैसे हुआ है? लोग कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? मैं तो मोड़े का हूँ, मोड़ी कहाँ है जी, भारी कैसे सकता हूँ? मेरी कर्मभूमि है, मैं बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं यहाँ, हिसाब चुकाओ, हिसाब लगाओ, आपके सामने तो हुआ था, इतने बड़े इकट्ठे हरियाणा में नहीं कभी हुए। मैं भारी नहीं हो सकता, ये तो बात गलत है कि मुझे भारी थे, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ जी, हमारा मुकाबला, हमारा मुकाबला किससे? कल अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।